जिलाध्यक्ष प्रियशील हाड़ा के नेतृत्व में भाजपा ने की जिला कलेक्टर से मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, निवर्तमान महापौर धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद यादव, जिला महामंत्री तथा निवर्तमान उप महापौर संपत सांकला, मीडिया सह प्रभारी रचित कच्छावा के शिष्टमंडल ने आज जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मुलाकात कर उन्हें स्मार्ट सिटी के तहत चलने वाले कार्यों तथा शहर हित से जुड़ने अन्य विषयों पर ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले भाजपा नेताओं ने कहा कि अजमेर में यातायात के भार को कम करने तथा आनासागर स्कैप चैनल नाले की गंदगी से क्षेत्रवासियों को राहत दिलाने के लिए विगत 25 दिसंबर 2018 को जयपुर रोड से ब्रह्मपुरी होते हुए तोपदड़ा रेलवे क्रॉसिंग तक 530 मीटर आनासागर स्कैप चैनल नाले को कवर करने के लिए स्मार्ट सिटी के कार्यों के तहत तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता भदेल एवं महापौर धर्मेंद्र गहलोत, एडीए अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा ने इस कार्य का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर तत्कालीन जिला कलेक्टर आरती डोगरा, नगर निगम के तत्कालीन सीईओ हिमांशु गुप्ता सहित इस कार्य से तत्कालीन रूप से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद थे। इस कार्य की निविदा जारी करने से पूर्व संबंधित विभागों द्वारा तत्कालीन व तकनीकी एवं अन्य सभी पहलुओं पर सहमति प्रदान की थी। इस आधार पर उक्त कार्य का शुभारंभ किया था, जिसमें ब्रह्मपुरी एवं तोपदड़ा नाले के कवर के साथ ही खानपुरा तक 18 करोड़ 40 लाख के आनासागर स्कैप चैनल के जीर्णोद्वार के कार्य सम्मिलित थे, जिस पर ठेकेदार ने कार्य भी चालू कर दिया था, लेकिन ये कार्य अभी तक अकारण स्थगित किया हुआ है। इस कार्य को शहर हित में शीघ्र प्रारंभ कराया जाए। हाँ जी, आज भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल ने हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील जी हाड़ा के नेतृत्व में और हमारे पूर्व महापौर धर्मेंद्र जी गहलोत, उप महापौर संपत्ति साखला आदि सहित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात करके उनको ज्ञापन दिया। दिनांक 25 सितंबर 2018 को अजमेर के यातायात के भार को कम करने के लिए और आनासागर स्कैप चैनल की गंदगी से लोगों को निजात दिलाने के लिए जयपुर रोड से होते हुए ब्रह्मपुरी तथा तोपदड़ा रेलवे क्रॉसिंग फाटक तक के नाले को कवर करने के कार्य का उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री श्री वासुदेव जी देवनानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिता जी भदेल, तत्कालीन महापौर धर्मेंद्र जी गहलोत और एडीए अध्यक्ष शिवशंकर जी हेड़ा ने इसका शुभारंभ किया था और सब इससे पहले सारे तकनीकी पहलुओं पर भी विचार विमर्श करके अंतिम रूप देने के बाद ही इसकी निविदा जारी हुई थी और इसके शुभारंभ के बाद इसका कार्य भी ठेकेदार द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन बाद में अज्ञात कारणों से इसको स्थगित किया हुआ था। इसलिए जनहित में ये कार्य किस प्रकार से पूर्ण हो सकता है, इस विषय को लेकर आज जिला कलेक्टर महोदय से भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल ने मुलाकात करी। पृथ्वीराज खेल नगर है, उसके अंदर भी खेलों से संबंधित पर्याप्त सुविधाएं एवं स्थान उपलब्ध है, इसलिए वहां खेलों को विकसित करने की मांग करने के साथ साथ अजमेर के ऐतिहासिक तोपदड़ा स्कूल का जो मैदान है उसके अंदर भी खेल सुविधाओं का विस्तार बहुत सुगमता के साथ हो सकता है और बहुत सारी संभावनाएँ वहाँ पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पन्न की जा सकती है। इन विषयों पर चर्चा करने के साथ ही संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंदर भी स्थायी रूप से सुपर स्पेशलिटी चिकित्सक किस प्रकार से यहाँ पर नियुक्त हो सकते हैं, इन सब बिंदुओं के ऊपर आज हमने विस्तार से चर्चा करी। इसके साथ ही अजमेर में यातायात के भार को कम करने के लिए सुभाष नगर, गुलाबबाड़ी और कंचन नगर के अंदर भी जो आरओबी का कार्य चल रहा है, ये भी लंबित चल रहे कार्य को शीघ्र ही इसका निस्तारण हो, ये कार्य शीघ्र पूरे हो, इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर महोदय से मांग करी और जिला कलेक्टर महोदय ने भी बहुत ही सकारात्मक वातावरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि वो सब इन बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर शहर हित के अंदर इन पर शीघ्र ही क्रियान्वयन प्रारंभ कराएंगे।
खुशियां मनाएंगे, अपने घर नई होंडा लाएंगे, क्या सर्वोत्तम सेल्स और सर्विस भी पाएंगे, 30 साल का भरोसा जो अपनाएंगे। अजमेर ऑटो ले आए हैं अजमेर होंडा, जहां है होंडा टू व्हीलर की कंप्लीट रेंज और साथ में वही विश्वास वही भरोसा जिसे आप जानते और पहचानते हैं 30 सालों से। अपने घर नई होंडा लाएंगे।